इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपना चैनल आप सर्चिंग में कैसे ला सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली, वीडियो को देखते रहिए एंड तक, हो सके आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा उसमें, ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अपना जो भी चैनल है जो सर्चिंग में कैसे ला सकते हो, ठीक है। अपने चैनल बना लिया, वीडियो उस पर अपलोड कर दी, फिर देखे तो यार 2-4-5 वीडियो, 10 वीडियो, 20 वीडियो डाल दी, ठीक है, आपका चैनल सर्चिंग में नहीं आ रहा, तो आपको चैनल अपना सर्चिंग में कैसे लाना, ठीक है। बहुत ही ट्रिक अच्छी है ये, अपना चैनल आप सर्चिंग में ला सकते हो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर हमारे चैनल पर हम नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक को फिर टेलीफोन वीडियो शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर होता क्या है, ठीक है, अपना चैनल सर्चिंग में क्यों नहीं आता, सर्चिंग में इसलिए नहीं आता, ठीक है। तो इसमें कुछ सेटिंगें होती हैं। देखिए, पहले तो आपको अपना पार्टनर वेरीफाई कर लेना होता है, ठीक है। तो पार्टनर वेरीफाई आजकल तो सभी को करना, अगर नहीं आता तो फिर मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है, एक वीडियो की, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। नहीं तो नीचे कमेंट कर दिए, मैं पूरा बढ़िया आपको तरीका बता दूंगा कैसे कैसे आपको पार्टनर अपना वेरीफाई करना है। बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताऊंगा पार्टनर वेरीफाई करने का तरीका, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं कि आपका चैनल कैसे सर्चिंग में आ, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए, आपको क्रोम ब्राउजर में जाना पड़ेगा, कुछ वहाँ पर मैं आपको पूरा एड्रेस के संग दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे क्या आप फिलअप करना है, ठीक है। वहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड लगाने पड़ते हैं अपने चैनल के, ठीक है, वहाँ का जो कि अपना चैनल पर जो भी आप जैसे जिससे रिलेटेड आपका चैनल है, ठीक है, उसी हिसाब से आप जैसे मेरा टेक का है, मेरे टेक के टेक वाले चैनल पे कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर अभी दिखाऊंगा। वहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड लगा रखे हैं, मैंने सर्चिंग कीवर्ड, ठीक है, इस तरह से अपना चैनल सर्चिंग में आता है, ठीक है। अगर आप वहाँ पर आपने अभी तक अगर कीवर्ड नहीं लगाया है, ठीक है, तो आज ही अपना कीवर्ड लगा लें। चलिए फिर मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर आपको बताते हैं अपना कैसे। जी, मैं आ चुका हूँ अभी अपने चैनल पर, ठीक है। तो ये कि आप क्रिएटर स्टूडियो में जाके अपना खोल लीजिए, ठीक है। या आप लोग सभी ने देखा है, जब हम अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा फ़ोन भी स्लो चलता है, ठीक है, सभी का चलता है। तो ये मेरा कुछ कल का डेटा था जो कि मैं वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, कुछ इतने लोग व्यूवर हैं। तो अब चलते हैं, इधर मैं साइड में आपको आके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। वहाँ से क्रिएटिव स्टूडियो, वहाँ से आप जब अपने क्रोम ब्राउजर में आके अपने क्रिएटिव स्टूडियो में जाके अपने चैनल पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर आपको चैनल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब आप चैनल पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, कुछ आपका ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ लास्ट में आपको बातें बहुत ही अच्छी अच्छी बताने वाला हूँ, ठीक है, उस तरीके से अपना पूरा काम अपना चैनल सर्चिंग वाला से, ठीक है। यहाँ पर देखिए मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, और यहाँ पर देखिए है कॉपीराइट स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, ठीक है, ये है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपलोड डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अपलोड डिफ़ॉल्ट अगर आपको अगर सेटिंग नहीं करनी आती, ठीक है, तो वहाँ पर आप कमेंट करिए नीचे, उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना के तैयार कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रांडिंग वाले ऑप्शन पर ये होता है, जब आप किसी का वीडियो देखते हैं वहाँ पर एक साइड में देखिए या चैनल का नाम होगा या फिर उसकी एक जिसका चैनल उसी की एक फ़ोटो लगी होगी, ठीक है, उस तरह से आपको अगर बताइए तो मैं इस लगा दूँगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे राइट साइड में नीचे देख सकते हैं, ये खरीद लूँगा इस एप्लीकेशन को, बहुत ज़्यादा ऐड आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, नीचे ये आपको मिल जाए अप्रूव, तो यहाँ पर नीचे सबसे नीचे वाले अप्रूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये सबसे मेन काम यहीं पर होता है, ठीक है, जो सबसे मेन काम होता है अपने ये पर, ठीक है। यहाँ से अपने जो सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, सबसे नीचे वाले में यहाँ पे आपके आप अपना सब्सक्राइबर मतलब हाइड कर सकते हो, ठीक है। टू नॉट डिस्प्ले नंबर ऑन फॉर, ठीक है, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। यहाँ पर डू नॉट डिस्प्ले कर सकते हो या फिर डिस्प्ले कर सकते हो, अगर वहाँ पर आपको दिखाना है सब्सक्राइबर अपने तो, ठीक है, जितने हैं कम हैं ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर आपको अपनी कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी अगर अभी तक नहीं सेलेक्ट किया है, ठीक है, वो तो पहले ही आप सेलेक्ट कर चुके होंगे तो पता है हमें, ठीक है। तो ये देखिए, कुछ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो हमारा जो चैनल का कीवर्ड है वो देखोगे मैंने कैसे लगाया हुआ कीवर्ड या हाँ ऐसा सब। देखिए मैंने कुछ अपने सर्चिंग टैग या टैग धर लो, जैसे कि मैंने सर्चिंग टैग कुछ ऐसे अपने चैनल के लिए लगा रखे हैं, ठीक है, ज़्यादा मैंने नहीं लगाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कपिल डे है, ठीक है, कपिल डे टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ऐसे अपने टैग लगा रखे हैं, ठीक है, कपिल डे ब्लॉक है, ठीक है, तो ऐसे मैंने कुछ कपिल डे टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ऐसे मैंने कुछ लगा रखे हैं अपने चैनल पर टैग, ठीक है। इस तरह से आपको अपने चैनल का जो भी नाम है यहाँ पर दे देना है, ठीक है, फुल नाम देना है, ठीक है। वहाँ पर आपको बीच में कॉमा लगा देना है, कॉमा या डॉट लगा दिए, कॉमा कुछ भी आप लगा सकते हो, इससे क्या होता है कि आपका चैनल सर्चिंग में बहुत ही जल्दी आता है, ठीक है। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी थी, ठीक है।
तो यार आप लोगों की समझ में आ गया होगा हमको कैसे कैसे यहाँ पर सारा फिलअप करना है, ठीक है। इस तरह से अपना चैनल आप सर्चिंग में ला सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा 2-3 दिन में लगेंगे, मतलब जैसे कीवर्ड डालिए आप वहाँ से एक दिन ही दूसरे दिन आपका चैनल देखिए फर्स्ट नंबर पर आप सर्चिंग में आपका चैनल पहुँच जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अगर आपको और इसमें भी और ज़्यादा ज़रूरी सेटिंग में जाननी है तो यहाँ पर नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक को प्रेस कीजिए।